देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। और आप देखिए मेरे सामने ये टैली आप देख सकते हैं, ये ओपिनियन पोल की टैली है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरफ हम दिखा रहे हैं क्षेत्रवार के अवध में क्या स्थिति होगी, पूर्वांचल में क्या स्थिति होगी, बुंदेलखंड में क्या स्थिति होगी, और इस तरफ हम उत्तराखंड को जो तीन हिस्सों में हमने बांटा है, मैदान, कुमाऊं और गढ़वाल, वहां पर आप देख सकते हैं क्षेत्रवार हम लगातार डाटा दिखा रहे हैं। और बिल्कुल टॉप पर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के कि ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उत्तराखंड में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये डाटा आपके सामने है। सीधे देहरादून चलते हैं, अजीत सिंह राठी। अजीत, क्या कहना है आपका? सीधे तौर पर कहा जाए कांटे की टक्कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी 31 से 37 और अगर कांग्रेस की बात करें तो 30 से 36, किस तरह से देखते हैं आप इसको? यह आज की बड़ी खबर, ये बड़ा डाटा। जी हाँ जी रोहित, देखिए जैसा अभी अपना सी वोटर के सर्वे में आया है, जैसा हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, तो उससे बहुत साफ एक इंडिकेशन आ रहा है, राजनीतिक संकेत जिसको हम बोलते हैं कि वो संकेत हमें मिल रहा है परिस्थितियों से। जैसे ये चौथा सर्वे है, मैं हम सब लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार हमसे इस बात को बार बार हमें रिमाइंड कराते हैं कि चौथा सर्वे है, तीन हर सर्वे यहाँ का हर व्यक्ति देख रहा है। तो पहले में 44 से 48, फिर 40 से 44, फिर 36 से 44, फिर अब जो है स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर खड़ी हो गई है, तो इसका मतलब अगर ये आंकड़ा जो ये बताता है इस तरफ जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है, उससे लगता है कि जब सरकार तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी आए थे, तब ये आंकड़ा कहीं और था, ये 48 के पास था, लेकिन धीरे 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 सरकार के कामकाज का लोगों ने मूल्यांकन करना शुरू किया। हो सकता है अपेक्षाएँ बहुत होती है, जब एक नई सरकार आती है, एक नया निजाम बनता है, तो लोगों की अपेक्षाएँ बहुत होती है। जब एक नया चेहरा फ्रेशनर आता है, बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा आता है, तो लोगों को बहुत उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो उसके फैन फॉलोइंग तो बढ़ती है लेकिन उम्मीदें भी बढ़ती हैं, दोनों तरफ दोनों तरह के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसी अपेक्षाएं शुरुआती दौर में लोगों ने सरकार से की होगी, तो वो मुझे लगता है कि जब वैल्यूएशन लोग कर रहे होंगे, काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुछ जैसे मिनिस्टर्स के हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके आचरण को लेकर लोग पसंद नहीं करते सरकार को, बहुत सारे ऐसे हाकिम हैं जिनको लेकर पसंद नहीं करते, प्राइम पोस्टिंग पर हैं, मंत्रियों के कामकाज, इन सब को लेकर के जब लोगों ने मूल्यांकन किया होगा, तो तभी इस आंकड़े के पास लोग खड़े होंगे कि ये 40 से भी नीचे इनकी सीटें आ गई है। यहाँ पर 36 के आसपास बहुमत बनता है रोहित, सामान्य बहुमत। अजीत, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके माथे पर बल पड़ने वाला ये आंकड़ा जरूर है, क्योंकि जिस तरह के दावे लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं, जो आंकड़ा दिखा रहा है वो एक तरफा नहीं है, सीधे तौर पर ये तो 2012 वाली तस्वीर बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल रोहित, आपको ध्यान होगा कि जब पिछला चुनाव हुआ था, ये मैं खंडूड़ी के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब खंडूड़ी दूसरे टर्म अपना चीफ मिनिस्टर का कर रहे थे, तो तब 32 और 33 या 31-32 ऐसा कुछ एक फिगर आया था, तो एक एक सीट कम रह गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय जो भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप थी उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था, और उसके बाद में फिर ये हुआ था कि बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए थे कुछ निर्दलीय और यूकेडी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी, वो एक अलग बात है, वो भी अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते रहे, लेकिन ये संकेत है। और ये देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर रोहित ये बात कह सकता हूँ कि अगर ये फिगर नीचे आ रही है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अकेले पुष्कर धामी को होगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाना है। बिल्कुल अजीत, इस चुनाव पुष्कर धामी के लिए खास तौर पर ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े चिंता का सबब हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी, चेहरा बदल दिया, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो पुष्कर सिंह धामी का प्रदर्शन कैसा होगा, खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल है वो ये तस्वीर दिखा रहा है। दिनेश मोहनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। जी दिनेश मोहनिया जी, आपका स्वागत है, क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2 से 4 सीटों का अनुमान है। जी लगता है दिनेश जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अजीत, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, 2 से 4 सीटें, यानी साफ तौर पर खाता खुलना लगभग लगभग तय लग रहा है, तो ये इसको किस तरह से देखा जाए? रोहित देखिए, जब जिस समय मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब कई महीने पहले उन्होंने उत्तराखंड में एक सर्वे कराकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, मैं उस बात को आपको याद दिलाता हूँ और अपने दर्शकों को भी याद दिलाता हूँ, तो उसके 3-4 महीने बाद तक आम आदमी पार्टी का यहाँ जो वॉल्यूम था वो जबरदस्त था,
और अभी दिनेश मोहनिया जी अगर जुड़ जाते तो हो सकता मैं भी उनसे आपके माध्यम से कोई एक सवाल करता। मैंने दिनेश मोहनिया से एक बार बीच में बात की और मैंने उनको बताया कि मैं क्लोजली यहाँ पॉलिटिकल गतिविधियों को वॉच कर रहा हूँ, मैं एक चैनल का प्रतिनिधि हूँ और आपका जो शुरुआती दौर का जो मामला था वो बीच में कहीं अटक गया है या उसकी जो वेव थी वो थम गई है। तो दिनेश मोहनिया का ये लॉजिक था, तो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार गारंटी के जो कार्ड हैं वो पूरी टीम हमारी उसको भरवाने में लगी है, इसीलिए हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब रद्द कर दिए गए हैं, इसीलिए हम बाहर आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो शुरुआत थी, जो आगाज था, मतलब जो बिल्कुल आप वो स्थिति नहीं, जी आप वो स्थिति नहीं लग रही। अजीत आप हमारे साथ बने रहे।